गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर एंड दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। इट हैज़ बीन सो लॉन्ग दैट नो आफ्टर मेनी मेनी डेज आवर लेक्चर हैज़ बीन प्लेस्ड। सो लेट्स बिगिन एंड एज आई टोल्ड यू ऑल दैट इन द प्रीवियस सेशन दैट वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट एंड नाउ वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स स्ट्रेट लाइन्स। राइट, so in starting first sometime you know starting 5 to 10 minutes I'll explain about what is straight line and what are its uses, right, and how it's implemented in your book, and after that we will be proceeding towards the main core part of straight line. Fine, okay, let's begin. Okay, so let's begin. Fine. Now what is straight line? Straight line is a new chapter for you all, and you don't know about this, right? In most of the chapters we have seen like trigonometry, we have seen in standard 10th or standard 9th and standard 8 also, but straight line is a new concept. You know, we don't know about this at all at this stage, right? But from now we will learn more and more about straight lines. Fine. ये स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ये हमने पहले नहीं पढ़ा है कभी। जो भी हम पढ़ने वाले हैं सब नई नई चीज़ें हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन क्या है? एक्चुअली एक लाइन होता है ना, लाइन, ये हमारी एक लाइन है, राइट, इसको लाइन बोलते हैं। लाइन एक्चुअली ऐसा रहता है, ये दो एरो, तो ये लाइन है हमारी, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बोल सकते हो तुम्हें, क्योंकि स्ट्रेट एकदम, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने सारे सम्स हो सकते हैं वो हमको देखना है, ठीक है। तो ज़्यादा थ्योरी इसमें है नहीं, जब जब सम्स आएंगे वी विल डिस्कस द थ्योरी अबाउट दैट, हम लोग सम्स की थ्योरी उसके साथ ही देख लेंगे। बट स्ट्रेट लाइन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इसकी खासियत क्या है इस चैप्टर की, देखो जैसे हमारा ना, मैं तुमको शायद पहले बताया था कि एक कैलकुलस करके एक पार्ट होता है, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, फिर उसके बाद यू नो ट्रिग्नोमेट्री का लेवल चैप्टर 2 आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, राइट। स्ट्रेट लाइन क्या होता है पता है कि जैसे कैलकुलस है ना, कैलकुलस ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट याद रखो कैलकुलस ना 12th स्टैंडर्ड में रहता है, राइट, और वो कैलकुलस आने के लिए ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा एक पार्ट होता है सर्कल एंड कोनिक्स सेक्शन, ठीक है। जैसा कैलकुलस होता है ना वैसा एक सर्कल एंड कोनिक्स एक सेक्शन होता है, ये भी तुमको पता नहीं है, पता चलेगा आगे, यू विल कम टू नो अबाउट दैट। तो जैसे कैलकुलस का बेस है ट्रिग्नोमेट्री, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे 10 चैप्टर हैं, 5-10 चैप्टर हैं आगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, राइट, सब हम लोग 12th में देखने वाले हैं, राइट। तो उसका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होता है, वैसे ही सर्कल एंड कॉनिक्स भी एक बहुत मेजर पार्ट होता है पोर्शन का। इसके अंदर भी 5 टॉपिक आते हैं, स्पेशली कॉनिक्स के अंदर, तो उसके लिए मैंडेटरी रहता है स्ट्रेट लाइंस की ग्रिप होना। आर यू गेटिंग? जैसे कैलकुलस के लिए ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली सर्कल एंड कॉनिक्स जो चैप्टर है उसके लिए स्ट्रेट लाइन बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये चैप्टर स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर सीखेंगे, बहुत अच्छी तरह सीखेंगे, और तुम लोग इसमें मास्टर हो जाओगे चैप्टर में, राइट, यू विल बिकम मास्टर्स इन दिस चैप्टर, डोंट वरी एट ऑल। सो लेट्स बिगिन, आई होप दिस इज अ क्लियर आइडिया अबाउट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसका थ्योरी जितना भी है हम सम के साथ देखेंगे, जो सम किया उसका थ्योरी हो जाएगा, सेपरेट कोई थ्योरी है नहीं। एक्चुअली उसके ना फार्मूलाज हैं, 5 to 10 फार्मूलाज आर देयर, 10 फार्मूलाज अप्रॉक्स, सो आई विल टेक दैट फार्मूलाज, राइट, ठीक है। सो होप यू आर एंजॉइंग एंड दिस, रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, कैलकुलस एक टॉपिक होता है, बस याद रखो, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। पता होना चाहिए ना स्ट्रेट लाइन की वैल्यू क्या है ना, अगर तुमको वैल्यू नहीं बताऊँगा ना तो तुम इसको सीरियसली नहीं लेते कोई स्टूडेंट्स, और अगर बता दूंगा कि सर्कल एंड कॉनिक्स इसके बिना चलता नहीं है,
चल सकता है पर यू नो एकदम स्ट्रांगली चल नहीं चलेगा, भागेगा नहीं, ठीक है. ओके, सो दैट्स द ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स द बेस फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स, ठीक है. एंड ये जो चैप्टर्स हैं सर्कल में, ये तुमको 11th में ही है, राइट. तो हम देखते हैं कैसे करेंगे स्ट्रेट लाइन. और एक बात ध्यान से सुनना है, ठीक है. टू ईयर्स बिफोर या 2 ईयर्स अगो बोल सकते हो, तो तब पोर्शन चेंज था, राइट. पोर्शन चेंज हुआ है, हमारा पोर्शन 11th का चेंज हुआ, राइट. सो जो पोर्शन हमारा चेंज हुआ है, उसके जो पहले पोर्शन था ना, उसके अंदर स्ट्रेट लाइन ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन था, मतलब अकेला चैप्टर था वो स्ट्रेट लाइन. जो स्ट्रेट लाइन जो था ना, वो अकेला चैप्टर था, अकेला, ठीक है, खुद सिर्फ वही था. बट जब अभी हमारा पोर्शन 2 ईयर्स बाद में चेंज हुआ ना, अभी भी वही चल रहा है चेंज्ड पोर्शन, तो पता है उसमें क्या है, वो जो चेंज्ड पोर्शन है ना, उसके अंदर उन्होंने पता क्या कर दिया, ये करंट पोर्शन, करंट मतलब अभी जो चल रहा है, जो मैं अभी सिखाऊंगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही उन्होंने पता क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन तो है 100% वो तो रहेगा ही, बट साथ में एक लोकस चैप्टर था, वो उसका भी इंक्लूड कर दिया. लिसन वेरी केयरफुली. अब तुम बोलो सर ये तो लोकस और स्ट्रेट हमको तो पता नहीं. हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं. 2 ईयर्स बिफोर जो उसके पहले पोर्शन चल रहा था ना, उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, लोकस मतलब लोकस, दो चैप्टर अलग अलग थे. बट अब क्या किया उन्होंने, अभी जो हम सीखें करंट ईयर में, 2 साल पहले से जब चलते आ रहा नया पोर्शन, तो स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन तो रखा ही है, लोकस भी इंक्लूड किया. तुम्हारे एक्सरसाइज जो है ना, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ क्योंकि ये पुराना है, इधर लिखता हूँ करंट. सो एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज उसके अंदर 4 एक्सरसाइज, हाउ मनी, 4 एक्सरसाइज आर देयर, ओके, 4. सो एक है, 1 एक्सरसाइज जो है ना फर्स्ट वाली, वो लोकस के ऊपर है, और आगे की 2, 3, 4 ये जो एक्सरसाइज है ना, वो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ओके. सो दिस फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑन लोकस, 2nd, 3rd, 4th इज ऑन स्ट्रेट लाइन. तो जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, मैं इससे स्टार्ट नहीं करने वाला, पहले मैं 2nd एक्सरसाइज से चालू कर रहा हूँ. ये भी लूँगा, बिल्कुल लूँगा, स्टार्टिंग इससे नहीं कर रहा, ओके. क्यों? क्योंकि कारण है, ये एक नया अलग सी चीज़ है, ये तीनों में रिलेशन है, तो यहाँ करेंगे, फिर हो सकता है हम ये ले लें, नहीं तो ये दोनों, ये सब करने के बाद आ जाएंगे, ओके. जैसा भी है, आई लुक इन टू दैट. सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग आइडियाज़ अबाउट स्ट्रेट लाइन, राइट. मैं ऐसा समझता हूँ कि सबको आइडिया मिल रहा है स्ट्रेट लाइन का. मुझे बता दो, आइडिया मिला है स्ट्रेट लाइन का, समझ में आ रहा है क्या है? दिस वॉज जस्ट यू नो द बेसिक नॉलेज अबाउट स्ट्रेट लाइन, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, क्या क्या है उसके अंदर. येस और नो बता दो सब लोग. आई नो काफ़ी दिन बाद हमारा लेक्चर हुआ, उसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग बोलोगे नहीं. येस और नो चालू कर दो अपना पुराना वाला, ठीक है, फाइन. सो आई होप समझ में आ रहा है. ये स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वाई इट्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट्स बेस फॉर अदर चैप्टर्स, राइट. बेस है वो अदर चैप्टर्स के लिए, ठीक है. अब मैं कारण बताता हूँ तुमको क्या बेस, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. पता है जो लोग ना स्कूटी नहीं चला पाते ठीक तरह ना, स्कूटी या बाइक, वो लोग अपने चाइल्डहुड में साइकिल ठीक तरह नहीं चला पाते, तो इसलिए बोलते हैं बचपन में साइकिल जिसको अच्छी तरह आ गई ना, उसको स्कूटी आ जाती. उनको पता होगा, तुमने रियलिटी देखा ही होगा खुद. इसका ये मतलब नहीं कि साइकिल इज़ कंपलसरी, ऑफकोर्स नॉट कंपलसरी, बिना साइकिल के भी लोग सीखते हैं स्कूटी, बट अगर जिसको साइकिल आ गई ना बचपन में, तो स्कूटी चलाना बड़ी बात नहीं है उसके लिए, ठीक है. तो ये साइकिल है, स्कूटी और बाइक क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइकिल है, गियर की साइकिल है, वो बहुत स्ट्रांग साइकिल है, ठीक है. एंड ये कैलकुलस क्या है, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, वॉट एवर इट इज़, राइट. सो दैट्स द मॉरल, लॉजिक क्रिएट करो. तुमको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर क्या काम करता है, ठीक है. तो जैसे हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, हो गया हमारा, आगे जाके कैलकुलस में बहुत यूज़ होता है. तो अगर मेरे को साइकिल चलाने आती है, तो मैं बाइक आराम से चला लूँगा. साइकिल चलाने आती है, बाइक आराम से, ठीक है. सो आई होप यू आर गेटिंग सम आइडिया, एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर, फाइन. अब हम लोग सीखते हैं कि है क्या, देखते हैं क्या है अंदर, उसके अंदर वॉट इज देयर इन साइड दैट, राइट. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. ओके, सो जस्ट वॉन्टेड टू नो दैट तुम लोग के कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं क्या? आर यू ऑल अटेंडिंग द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ योर कॉलेज? और अभी तक नहीं हुआ, ज़रा मुझे बताना चैट में.
जस्ट वॉन्टेड टू नो दैट कॉलेज का क्या सिनेरियो है तुम्हारा। ट्वेल्थ का तो अभी एग्ज़ाम ही ख़त्म, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर ही ख़त्म हो गया ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का, तो होने ही वाला एग्ज़ाम उनके। ओके फाइन फाइन, सो इलेवेंथ उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। ओके ओके फाइन 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 फाइन, नो प्रॉब्लम, लेट्स प्रोसीड फॉर दैट। ठीक है ओके, देखो मैं एक बात तुम लोग को हमेशा एक बात याद रखना बोलूँगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो मैं सिखा चुका हूँ ना, इस पर फोकस रखना। देखो ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जो चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ ना वो मैं उसके बाद डिस्कस करता नहीं, बट याद रखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, मैं किसकी ट्रिग्नोमेट्री, पूरे ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू ये चैप्टर, इसको ना तुम एक महीना भी कर लो कोई टेंशन नहीं, दो महीना भी दोगे ना इसको कोई टेंशन नहीं, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन को तुम दिन भर करो, नहीं, ये जो है ना इसको इसको, ठीक है, वेरी पावरफुल चैप्टर। ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द न्यू चैप्टर, राइट, एंड चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन, राइट। चलो अब सीखते हैं मेन कॉन्टेंट ऑफ द चैप्टर स्ट्रेट लाइन। ठीक है ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ डायरेक्टली, उसके बाद उसका आंसर देता हूँ। ठीक है लेट्स प्रोसीड फर्दर, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं स्क्रीन बुक पे, एंड द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, सर ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है और आपने आते ही सम दे दिया, इसका थ्योरी कौन बताएगा? बताता हूँ, ये सम की थ्योरी सम के अंदर ही बताई जाती है। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ एक मिनट में क्या थ्योरी है। दो चीज़ें हैं हमको पता करनी, राइट, देर आर टू थिंग्स डैट वी शुड बी अवेयर, सो पे अटेंशन। सबसे पहली बात, गिवन क्या दिया हुआ है हमको, इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। ठीक दिया, टू फाइंड क्या निकालना है मेरे को, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, किसका स्लोप निकालना है, लाइन। चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन के बारे में ही बात हो रही है, राइट। चैप्टर का नाम था स्ट्रेट लाइन, तो उसके ऊपर ये सम आए, ये जितने भी सम हम करेंगे ना, मोस्ट ऑफ द सम, 95% सम तो होंगे जो लाइन के ऊपर ही होंगे, क्यों, नाम ही चैप्टर का स्ट्रेट लाइन है। लाइन मतलब क्या, तुमको पता है ना लाइन क्या होती है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, कभी कभी हो सकता है इसका एक एंगल दे देंगे, कभी बोलेंगे इसका एंगल दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो, बोलेंगे ये एक लाइन है उसको एक परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों का बीच में परपेंडिकुलर है, एंगल निकालो, तो लाइन के ऊपर ही खेलना है अपने को, समझ में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में छः एंगल्स के ऊपर खेल रहे, 6 एंगल्स ऊपर दे रहे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, हर सम में तुम देख रहे हो वही आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर खेल रहे हैं। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पता होना कि चैप्टर में है क्या। तो चैप्टर में ये है कि लाइन दिख रही है, लाइन ये एंगल लाइन दी होगी, उसका एंगल निकालने के लिए बोल देंगे, कभी बोल देंगे कि एंगल दिया है लाइन निकालो, कभी बोल देंगे कि ये उसका थीटा निकालो कितना होगा, उसको कट करता है, कभी बोलेंगे दो पैरेलल लाइंस हैं, कभी बोलेंगे एक पैरेलल उसको परपेंडिकुलर है, यही सब होने वाला है पूरे चैप्टर, समझ में आ रही है। सो आई होप दिस इज द क्लियर आइडिया विच यू आर गेटिंग दैट ऑल अबाउट लाइंस, दैट्स द पॉइंट। ओके फाइन, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, ये सब में वापस आ जाते हैं। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। तो इंक्लिनेशन बोला है 60 डिग्री, इंक्लिनेशन क्या है बताता हूँ, रिलैक्स बताता हूँ, इंक्लिनेशन 60 डिग्री। टू फाइंड क्या निकालना है हमको, फाइंड द स्लोप निकालना है। ठीक है लिख दिया स्लोप, फाइंड करना स्लोप। ठीक है अब मेन काम पे आता हूँ, फॉर्मूला। तो याद रखो जो निकालना है ना स्लोप, उसका एक फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला है टैन थीटा। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, टैन थीटा इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। कहाँ से आया ये प्री डिफाइंड फार्मूला है, मतलब पहले से बना हुआ है,
हमको साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस ने ऑलरेडी बना के बोला है कि स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। कैसे आ रहा है वो भी हम देख लेंगे किसी दिन, बट स्लोप इक्वल टू टैन थीटा दैट्स इनफ, इतना पता होना चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो मैं टैन थीटा लिख दूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। तो आंसर पे आ जाता हूँ या सोल्यूशन जो भी लिखते हो तुम, राइट, ये भाई स्लोप इक्वल टैन थीटा, सो एल राइट है, आई वांट टू फाइंड स्लोप, राइट, फाइंड करना है स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला दिया है, कितना फॉर्मूला दिया है, टैन थीटा। तो स्लोप का फॉर्मूला टैन थीटा है, मेरे सर यही आंसर है क्या, मैं हाँ यही आंसर है, मेरे मन में एक डाउट है सर थीटा दिया है क्या, थीटा तो कहीं नहीं दिया, थीटा तो मेरे को नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है फिर, इंक्लिनेशन दिख रहा है क्या, यही थीटा है, हाँ यही थीटा है। तो याद रखो इंक्लिनेशन का मतलब होता है थीटा, ठीक है। तो स्लोप दिया है टैन थीटा, कहाँ से आया, फॉर्मूला है, किसने बनाया, मैथमेटिशियंस ने बनाया, क्यों बनाया, उनकी मर्जी। स्लोप इक्वल टू टैन थीटा, हमको बस इतना ही याद रखना, दैट्स इट। सो स्लोप इक्वल टू टैन थीटा, फिर तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा सर स्लोप का एक ही फॉर्मूला होता है क्या, नहीं, पांच फॉर्मूला के ऊपर होंगे, वो कब सिखाओगे, आगे सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला सबसे बेसिक वाला, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, तो टैन तो एज इट इज लिखा, थीटा ढूंढ रहा हूँ, क्या थीटा दिया है, पूरा देख लिया मैंने, थीटा तो कहीं नहीं लिखा है, नहीं है क्या थीटा, है ना, इंक्लिनेशन ही थीटा है। सो सेकेंड चीज़ हमको पता चली, मैं तुमको बोला इस समय दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग इज दैट स्लोप इक्वल टू टैन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला वी शुड नो। व्हाट्स द सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग इज दैट इंक्लिनेशन मीन्स थीटा, दैट्स इट, इंक्लिनेशन मतलब होता है थीटा, स्लोप मतलब होता है टैन थीटा। तो थीटा कितना है, 60 है, किसने बोला, इंक्लिनेशन ने बोला कि मैं 60 हूँ, थीटा भी 60 है, फिर इतने होते टैन 60 की वैल्यू, किसी बच्चे को भी पता है, √3, दिस इज द आंसर, राइट। अब तुम पूछोगे सर ये कितने मार्क का सम आएगा एग्जाम में, क्या ये एंट्रेंस में आएगा, एंट्रेंस में बिल्कुल नहीं आएगा, एंट्रेंस में ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1 मार्क। कहाँ पे आ सकता है, क्या ये 11th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, 100% आएगा, 100% तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि 100% मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं पेपर नहीं बनाने वाला, राइट, मैं बनाऊंगा तो 100% आएगा, बट हो सकता है 90%, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा टीचर ना डाले, बट मैंने देखा है 11th के पेपर में 1 मार्क के लिए ये रहता ही है, ठीक है। सो दिस इज़ 1 मार्क सम, कितने मार्क आएगा, 1 मार्क, क्या ये 2 मार्क आ सकता है, नहीं आ सकता, 1 का ही आएगा, कितना चांस है आने का, हर एग्ज़ाम में देखा है मैंने आता है, इस बार भी आएगा, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि पेपर मैं नहीं बना, राइट, बट हाँ पॉपुलर सम है, इट हैज़ द पावर ऑफ कमिंग फॉर 1 मार्क, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी सम आ गया इंक्लिनेशन के लिए तुम लोग रेडी हो, राइट, करने के लिए। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, राइट, एंड आई होप एवरीवन इज़ एन्जॉइंग दिस, ठीक है। मुझे बस बता दो समझ में आया कि नहीं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच इंक्लिनेशन 60, राइट, व्हाट्स द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, हमको स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है व्हिच इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, इंक्लिनेशन दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो निकालना क्या है हमें निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप, फाइंड द स्लोप। तो स्लोप का कोई फार्मूला होगा, है क्या फार्मूला, कोई फार्मूला है स्लोप का, है ना, व्हाट्स द फार्मूला, टैन थीटा, ठीक है, लिख दिया मैंने फार्मूला स्लोप का टैन थीटा, इसलिए आंसर भी लिख दिया, स्लोप इक्वल टू टैन थीटा, दैट्स इट। थीटा की वैल्यू है ना मेरे पास, थीटा की वैल्यू है मेरे पास, कितनी है, 60 डिग्री। कहाँ पे लिखा है, लिखा नहीं है, बस हमको इंक्लिनेशन दिया है 60 डिग्री, यू शुड रिमेंबर दैट इंक्लिनेशन ही थीटा होता है, राइट। सो 60 डिग्री, टैन 60 इज √3, दैट्स इट, टैन 60 की वैल्यू होगी √3, ठीक है। सो दैट्स इट, ओके। सो आदित्य पूछ रहा है चैप्टर का नाम, ओके आदित्य, चैप्टर्स नेम इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये 11th स्टैंडर्ड का हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, फाइन, ओके। सो कम ऑन, लेट मी नो, आर यू ऑल गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है सबको ये जो मैं बताया अभी, ये सम सबको समझ में आ रहा है, दिस क्लास इज फॉर 11th स्टैंडर्ड, राइट, 11th, बट यू नो दीज कॉन्सेप्ट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आफ्टर 12th, यू नो द एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल, ठीक है, पर अभी क्लास 11th की चल रही है, ओके। सो आई थिंक एवरी वन इज गेटिंग दिस, अगर ये सम आ गया तो आँख बंद करके लिखने आना चाहिए तुमको, ऑफकोर्स आँख बंद करके नहीं लिख पाओगे, बट लॉजिक समझो कि आँख बंद करके मतलब परफेक्टली आना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट,
ओके, तो ये 1 मार्क का ही सम है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा सम नहीं है, बट हाँ कोई बात नहीं, आगे बड़े भी सीखेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, तो हमको ये पूरा सम तो देख लिया भाई, पेज हमारा हो गया, ये हमारा जो पेज है ये पेज हो गया, राइट। तो अब मुझे पूछना है क्वेश्चन कि ये जो पूरा मैंने पढ़ा है, ये जो पूरा पेज लिखा है, इसका मॉरल क्या मिला मेरे को, मॉरल, व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी, राइट। सो मॉरल इज दिस, मेरे को दो चीज़ सीखने के लिए मिला। तो हमको इतना पूरा पेज तो हमने सीख लिया, बट मेन पार्ट क्या सीखा, पहली बार स्लोप का फॉर्मूला होता है टैन थीटा। क्या स्लोप के और कोई फॉर्मूला होते हैं? होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बाकी के कब होंगे, नेक्स्ट बार में होंगे थोड़ी देर बाद। स्लोप इज टैन थीटा फर्स्ट थिंग, व्हाट्स द सेकेंड थिंग, थीटा मतलब होता है इंक्लिनेशन, ओके दैट्स ओके फाइन। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके आदित्य क्वेश्चन पूछ रहे, आदित्य सर मैं महाराष्ट्र से हूँ। आदित्य हम भी महाराष्ट्र से ही हैं एंड हम भी स्टेट बोर्ड ही फॉलो कर रहे हैं, राइट, HSC बोर्ड, ओके 11th स्टैंडर्ड, फाइन ओके। सो टैन थीटा इज इक्वल टू स्लोप एंड थीटा इज इंक्लिनेशन। आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर एवरी वन। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ, जल्दी से इसको लिख लो, मैं आई गिव 30 सेकेंड्स टाइम, यू कैन जस्ट स्केच इट आउट, लिख लो जल्दी से, फाइन, आफ्टर दैट विल प्रोसीड फर्दर। Let's proceed further. Okay, I hope everyone has written this. Let's proceed further. Fine. So next question is that I'll write the question. My question लिख देता हूँ, ठीक है, अभी एक मिनट। देखो अभी हमने एक चीज़ देखा कि स्लोप का फॉर्मूला है टैन थीटा, देखा ना, सबने देखा, मैंने भी देखा, तुमने भी देखा, स्लोप इज टैन थीटा, ठीक है, पता चल गया एक फर्स्ट फार्मूला है। बट मैंने उसके साथ एक चीज़ बताई थी कि स्लोप के और बहुत सारे फार्मूला हैं, राइट। तो मैं अभी तुम लोग को स्लोप का सेकेंड फार्मूला लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, अभी जस्ट नाउ मैंने क्या पढ़ा कि स्लोप इक्वल टू टैन थीटा, हमने देखा है अभी, जस्ट नाउ वी हैव सीन दिस, राइट, स्लोप इज टैन थीटा। वन मिनट, लेट मी, या फाइन, सो स्लोप इक्वल टू टैन थीटा, वी हैव जस्ट नाउ वी हैव सीन इट, राइट। ये हमको फिक्स हो गया दिमाग में, यहाँ पे थीटा क्या है, इंक्लिनेशन, वो पूरा परफेक्ट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या है। स्लोप का दूसरा जो फॉर्मूला है वो है, ध्यान से सुनना है, स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1। अब ये जो फार्मूला है, हो सकता है शायद तुमने कभी 10th में शायद देखा हो, राइट, एक्चुअली ये शायद देखा होगा स्लोप का फॉर्मूला, राइट, 10th में होता है, मुझे याद है, ये भी होगा शायद 10th में, मेरे को अभी ना जस्ट क्लिक हो गया दिमाग में कि एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, शायद 10th में रहता है, अब हाँ होता ही होगा, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है 10th में, तो वो चैप्टर में ऐसा कुछ है, आई रिमेंबर दिस, राइट, तुमको पता है, ठीक है। सो स्लोप इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। नाउ तुम्हारे मन में डाउट आएगा, सर ये दो फॉर्मूला हैं स्लोप के, कौन सा कब लगाना है, वेरी सिंपल, जब थीटा दिया होगा और बोला होगा स्लोप निकालो, तो टैन थीटा वाला यूज़ करेंगे, और जब दो पॉइंट्स दिए होंगे x1 y1 x2 y2, तब ये फॉर्मूला लगेगा। व्हेनेवर दे विल गिव अस टू पॉइंट्स, देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ y2 - y1 / x2 - x1। ये कब यूज़ होगा, जब दो पॉइंट दिए होंगे,
तो एक क्वेश्चन मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। होता क्या है मैं बताता हूँ तुमको, दो पॉइंट्स दिए होते हैं, देखो ऐसा पी वन दिया होता है, एक पी टू दिया होता है फॉर एग्जाम्पल। वो पॉइंट के कुछ भी नाम हो सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी नाम होगा पॉइंट का। तो पी वन पी टू लिखा है यहाँ पर मैंने, तुम लोग ऐसा लिख सकते हो, पी और क्यू भी लिख सकते हो। पी क्यू दो पॉइंट है समझ लो, पहला पॉइंट है 1.5, सेकंड इज 2.4 फॉर एग्जाम्पल। और एक काम करता हूँ मैं इसको -5 लेता हूँ, बताना चाहता हूँ कि पॉइंट नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। सो 1.5, 2.4, ये ऐसे दो पॉइंट लिए हैं, राइट। कोई सम नहीं ले रहा हूँ मैं, जस्ट बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। तो पी क्या है मेरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, राइट। पी क्यू क्या है, सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट जो मेरा पी है 1.-5 है, सेकेंड पॉइंट कौन से, क्यू, कितनी वैल्यू है उसकी, 2.4। हमेशा याद रखना है ये ना, ऐसे होता है x1 y1, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट की, जो फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू होती है ना उसको x1 बोलते हैं, फिर फर्स्ट पॉइंट की सेकेंड वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं y1। सो दिस इज x1, दिस इज y1। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये x1 y1 क्यों बोलते हैं, इसका मतलब बताना चाहते हैं कि, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ इसको, ये बताना चाहते हैं कि वन क्यों लिखा है यहाँ पे, x1 y1, ये 1 1 क्यों लिखा है पता है, दे वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट पॉइंट वन के बारे में बात हो रही है, पॉइंट वन है तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x, y। फिर ये तो सेकंड पॉइंट है 2.4, इसके लिए भी x1 y1 लिखूँ क्या, नहीं नहीं नहीं, ये सेकंड पॉइंट था ना तुम्हारा, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इसलिए लिखना पड़ेगा x2, y2। x2, y2 क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेकंड पॉइंट है। तो बताना चाहते हैं x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट किसका, सेकंड पॉइंट का। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है किसका, फर्स्ट पॉइंट का। डन, छोटी सी बात हमको पता चल गई कि दो पॉइंट दिया होता है हमेशा उसको x1 पहले वाले को लिखते हैं x1 y1, दूसरे वाले को लिखते हैं x2 y2, ठीक है, दैट्स इट। हमेशा याद रखो जो पहला पॉइंट है उसको लिखते हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट है उसको लिखते हैं x2 y2। और ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी, हमको पता है राइट, कहाँ से आया ये बना हुआ है फॉर्मूला, ऑलरेडी डिफाइंड है। साइंटिस्ट ने बोला है कि कभी भी स्लोप का फॉर्मूला निकालना है तुमको, स्लोप निकालना है दो लाइन का, y2 - y1 / x2 - x1। तुम्हारे मन में डाउट है सर ये अगर मैंने ये ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया, थोड़ा इंटरचेंज कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं, नहीं कर सकते, कर दिया तो क्या होगा, आंसर गलत आएगा, राइट। सो इग्नोर दैट, जो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे। अब तुम्हारे मन में डाउट होगा सर y2 - y1 ये वैल्यू कहाँ से लानी है, बहुत सिंपल है, देखो अभी तुमने खुद निकाला ना, y2 की वैल्यू कितनी है, 4। ये 4 उठा के इधर पुट कर देंगे, क्या करेंगे, 4 उठा के यहाँ पुट कर देंगे, 4 माइनस, ये कोई सम नहीं है, जस्ट तुमको ड्राई रन दे रहा हूँ, सम अभी लेने वाला हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस, अगर ये तुमको 50% समझ आ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमेशा आई बिलीव दैट सबको समझ आ ही रहा होगा पूरा, बट फिर भी राइट। सो y2 कितना है, y2 देख लो 4 है, y2 इज 4 माइनस एज इट इज़। y1 कितना है, y1 मतलब -5, y1 कितना है, -5, राइट। कितना, फिर से देखो y1 कितना है, -5, तो ये है y1 -5, तो यहाँ पे लिख दिया -5, बट ये तो पहले से माइनस था फॉर्मूला का माइनस, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, दो साइन एक साथ नहीं आते इसलिए उनको ब्रैकेट कर देंगे, फाइन। अपॉन x2 - x1, व्हाट इज x2, x2 मेरा 2 है, राइट, 2, 21 नहीं है ये, 2 है, दिस इज कॉमा, तो x2 लिख दिया 2, माइनस एज इट इज़। x1 कितना है, x1 है मेरा 1। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, बेसिक कैलकुलेशंस, 4 माइनस एंड माइनस कितना होता है, 4 माइनस माइनस है ना, हो जाएगा प्लस, 5 अपॉन 2 - 1 1, राइट। फाइनली आंसर कितना आ गया, 4 + 5 होता है 9/1, तो आंसर आ गया 9, स्लोप मेरे को 9 मिल गया, दैट्स इट। तो स्लोप कितना है, 9। ये छोटा सा सम हमने किया, एक्चुअली सम ही है बट उसको प्रॉपर सम नहीं है ये, जिस हमने देखा है कि कैलकुलेशन में वैल्यूज कैसे पुट होती है, राइट। तो याद रखना है, अगर तुमको बोलेंगे कि थीटा इज समझो 30 डिग्री, पिछले समय 60 लिया, इस बार 30 ले लो, अब बोलेंगे स्लोप निकालो, अब मुझे एक बात बताओ क्या ये फॉर्मूला लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्यों, थीटा दिया है ना, तो एक अकेला थीटा दिया है, यहाँ पे हमको 4 पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला। फिर ये कब लगेगा,
वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, हमने देखा ना अभी, ये तब लगेगा जब टू पॉइंट्स विल बी गिवन टू अस, वेन एवर दे विल गिव अस टू पॉइंट्स देन वी आर एलिजिबल टू यूज़ दिस फार्मूला। तो जब भी दो पॉइंट दिख रहे हैं बिना देखे ये फार्मूला लगाना है स्लोप में। सर यहाँ पे सिर्फ थीटा दिया है, पहला वाला लगाना है, दैट्स इट। सो आई होप समझ में आ रहा है सबको, राइट? सो जस्ट लेट मी नो कि समझ में आया सबको, जल्दी से मुझे बता दो चैट में, आर यू कंफर्टेबल विद दिस, सो दैट यू नो वी कैन प्रोसीड फर्दर। समझ में आ रहा है, गुड गुड, वेरी गुड, फाइन। सो ओके, एवरी वन इज अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? एंड वन मोर थिंग, मेरा जैसे पहले से चल रहा है अभी और अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में दोनों यूज़ करता हूँ, राइट? तो जो लैंग्वेज तुम लोग को ज़्यादा पसंद है, मेरे हिसाब से हम सही चलते हैं, यू नो, समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? बट इफ़ यू वॉन्ट कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज पसंद है, जैसे ज़्यादा इंग्लिश में समझ में आता है तो मैं इंग्लिश में पूरा सिखा सकता हूँ, हिंदी समझ में आता है पूरा हिंदी में सिखा सकता हूँ, राइट? दैट्स द पॉइंट। अगर जो भी लैंग्वेज, मेरे हिसाब से दोनों का मिक्सचर ठीक रहता है, राइट? बिकॉज सी, हिंदी में जल्दी समझ में आता है स्टूडेंट्स को और इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो दोनों में ठीक रहता है, दोनों में चलेंगे, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे बोल देना, ठीक है? फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसको जल्दी से एक बार लिख लो, ये इसलिए बोल रहा हूँ लिखने के लिए क्योंकि अगला सम जो आएगा ना वो फिर जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। जल्दी से इसको लिख लो, आफ्टर 30 सेकंड्स आई विल स्टार्ट द न्यू सम, इसी के ऊपर एक सम लूँगा, प्रॉपर सम, राइट? इसको लिख लो, देख लो कि पॉइंट दिया था 1, -4, -5, 2, 4 एक सेकेंड पॉइंट दिया है, स्लोप का स्लोप निकालने के लिए बोला है, फार्मूला है स्लोप के, दो फार्मूला है, कौन सा यूज़ करूँ, ये या ये कैसे करूँगा, दो पॉइंट दिए हैं तो इसका तो कुछ मतलब नहीं, दिस फार्मूला वाला अप्लाई, कैसे अप्लाई किया है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्चुअली वो एक्स वाई ही होता है हमेशा, x, y होता है, x, y, बट ये वन और टू कहाँ से आता है, पहला पॉइंट के बात हो रही है, पहले पॉइंट की, राइट? सो 1, 1, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात हो रही है, सेकेंड, दैट्स इट, कम ऑन, राइट दिस। ओके फाइन, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आई होप यू ऑल माइट हैव रिटन दिस, लिख लिया होगा सबने, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके ठीक, एंड आई एम रियली वेरी शॉक्ड, मुझे थोड़ा शॉक हो रहा है क्योंकि तुम्हारा कॉलेज अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ। ठीक है, तुम लोग को शायद, यू नो, ऑफकोर्स कोई भी स्टूडेंट को कॉलेज जाना पसंद नहीं होता है, कोई कोई को होता है, बट यू नो, बट स्टिल मेरे को थोड़ा शौक हो रहा है कि अभी दिसंबर आने वाला है, यू नो, ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ थोड़ा सा, क्योंकि क्या होगा पता है क्या, बाद में लोड नहीं आना चाहिए तुमको, है ना? तो क्या होता है पता है, मैंने देखा ये लोग क्या करते हैं, जो इनको देखो एग्ज़ाम लेना तो है, राइट? क्या करते हैं फिर लास्ट में ना स्पीड अप कर देते हैं बहुत, कि 6 मंथ्स का पोर्शन एक सेमेस्टर को 3 मंथ में कर देते हैं, ऐसा तुम पे लोड आता है ज़्यादा, तो पता नहीं क्यों ऐसा करें। लेट्स, कोई बात नहीं, उनका प्रॉब्लम है, वो भी शायद, राइट, मजबूर है, कोई बात नहीं, लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द मेन मोटिव, एंड आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं, ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फाइंड स्लोप, यू हैव टू फाइंड स्लोप, and what's the question, exact question, let me copy it, find the slope of line which passes
through the point A is equal to 2, 4 and B equal to 5, 7, right? So this is the question which is given. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ट्राई करो एक बार, सब लोग ट्राई करना है सब ने. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए 2, 4, बी इज 5, 7. बहुत ईजी सम है ये. पॉइंट वन है P1, ये पॉइंट टू है P2. बट डोंट कॉल इट P1 P2, याद रखना. अगर तुम इसको P1 P2 लिखोगे तो गलत बात है, उसके लिए हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है पॉइंट को ए ही लेना है, दूसरे पॉइंट को बी लेना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो, ध्यान से सुनना है सबने. ये बात मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम लोग को ये बात नहीं पता चलती है, मतलब किसी को पता ही नहीं होती ये बात. इस पर भी मार्क्स कट होता है. लिसन वेरी केयरफुली. देखो, एंट्रेंस के सम्स में तुम्हारा सोल्यूशन चेक नहीं होता है, सिर्फ आंसर से मतलब है. तो वहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो. बट अगर तुम 11th स्टैंडर्ड का पेपर लिख रहे हो, मैंने एक स्टूडेंट को देखा है, उसने पता क्या किया, यहाँ पर उन्होंने बोलता ए बी, राइट, ए बी बोला है ना, उसने लिख दिया पी और क्यू. पहला पॉइंट ले लिया पी, दूसरा पॉइंट ले लिया क्यू. उन्होंने उसका आंसर भी चेक किया, फुल मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का. उसको 2 में से पता कितने दिए? 1.5. हाफ मार्क छोटी बात है, ऐसा उसने सब सोचते हैं, बट नहीं, यू नो, कोई कोई हाफ मार्क की वजह से यू नो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है कभी कभी. तो याद रखना, ए और बी जो होता है ना, ए और बी दिया है ना उन्होंने, तो ए और बी ही लेना है, ठीक है. अगर वहाँ पे उन्होंने बोला है कि देर आर 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, ए और बी हाइट उन्होंने दिया ही नहीं, ए बी कौन है, कोई पॉइंट का नाम ही नहीं दिया है, तो क्या हम कोई भी ले सकते हैं? हाँ, देन फील फ्री टू टेक एनी नेम. जस्ट 1 मिनट, आई डोंट नो व्हाई इट्स यू नो ब्लर्ड अप, थोड़ा ब्लर हो गया इसमें. फाइन. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये बात याद रखना है हमेशा, अगर उन्होंने बोला है कि ए और बी पॉइंट है हमारे, तो हमेशा ए और बी ही लेना है, राइट. सो जल्दी से सॉल्व करो इसको, ए और बी पॉइंट लेके. फाइन, हिंट देता हूँ मैं. ए फर्स्ट पॉइंट दिया है, बी सेकंड पॉइंट है. फर्स्ट वाले को हम पकड़ते हैं X1 Y1, सेकंड को बोलते हैं X2 Y2. इनका नाम होता है, मतलब फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट. स्लोप निकालना है. स्लोप का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. स्लोप का फॉर्मूला होता है टैन थीटा. अगर आपने बताया पिछले सम में, हाँ वो पिछले सम का फॉर्मूला था, इधर नहीं चलेगा. क्यों? वहाँ पे थीटा दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है. सर यहाँ पे क्या यूज़ होगा? यहाँ पे सेकंड वाला यूज़ होगा. क्या फॉर्मूला है? Y2 - Y1 / X2 - X1. ये वाला क्यों यूज़ होगा इधर? क्योंकि 2 पॉइंट दिए हैं, X1 Y1, सेकेंड पॉइंट इज X2 Y2. Y2 यहाँ पुट करो, Y1 यहाँ पुट करो, X2 यहाँ पुट करो, X1 पुट करो. दैट्स द आंसर आ जाएगा. और एक बात, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे माइनस की जगह पे ना गलती से उसने बोला, सर मैंने यहाँ पे ना एग्ज़ाम में ना प्लस लिख दिया था. मेरे पास आया, बोलता सर कि मैंने ना यहाँ पे वाई जो माइनस है ना, माइनस उसकी जगह पे मैंने प्लस लिख दिया था. प्लस मार्क्स मिलेगा ना सर मेरे को? तो बोलता सर मैंने ए बी भी सही लिखा था एकदम, एंड कोऑर्डिनेट्स भी सही दिए थे, X1 Y1 X2 Y2 एकदम परफेक्ट दिया सर. आंसर भी आया सर, आंसर के नीचे बॉक्स भी बनाया एकदम परफेक्ट, पेंसिल से अंडरलाइन किया है. बट यहाँ पे सर एक छोटा मिस्टेक हो गया, ये मैंने प्लस लिख दिया दोनों जगह. मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा मार्क्स. 2 में से कितना मिलेगा? हो सकता है हाफ भी ना दे. दैट्स द पॉइंट, राइट. तो याद रखना है, क्योंकि यू नो फार्मूला को आधा मार्क्स देते हैं वो लोग, बट फार्मूला ही गलत हो गया तो आगे का तो पूरा ही गया, राइट. सो ध्यान रखना है, फार्मूला शुड नेवर बी यू नो रॉन्ग. रॉन्ग आता है तो मार्क्स नहीं मिलता, राइट. सो याद रखो, उसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, माइनस है Y2 - Y1 X2 - X1. Okay. Come on, try to solve this and let me know the answer. I've got 2 answers from 2 students. Come on everyone, try this one. Try karo isko jaldi se. Of course I will provide the answer after the trial is done. Par tum log pehle khud se try karo. Come on, fast.
ओके सो आई होप यू ऑल माइट हैव ट्राइड दिस, सबने ट्राई किया होगा. आई गॉट टू आंसर्स, तो आंसर आ रहा है 1. ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स लगता है ट्राई नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई. कोई बात नहीं, अगर ट्राई कर रहे हैं आंसर नहीं आ रहा है कोई टेंशन नहीं, नो प्रॉब्लम. बट आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूँगा, बट यू नो यू शुड ट्राई इट आउट, नो प्रॉब्लम. लेट मी सॉल्व दिस आंसर. ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ. लेट मी सॉल्व दिस सम. फाइन, सो स्लोप इज़ वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. वाई टू कितना है, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, हमेशा याद रखना है जो फर्स्ट पॉइंट है, फिर से बता देता हूँ, उसको लिखते हैं एक्स वन वाई वन, सेकेंड पॉइंट को लिखते हैं एक्स टू वाई टू. तुम बोलो सर थर्ड पॉइंट होता तो क्या करते, एक्स थ्री वाई थ्री. सर फोर पॉइंट होता तो क्या करते, एक्स फोर वाई फोर. ऐसे चलते जाता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एक्स वन वाई वन, सेकेंड इज एक्स टू वाई. एक्चुअली पहला वाला जो होता है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है. क्या तुम कभी वाई वन एक्स वन लिख सकते हो? कभी नहीं. ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट इज एक्स वन, सेकंड इज वाई वन. ओके, तो ये हमको मिल चुका है. व्हाट इज सेकंड वन? बी 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 इज एक्स टू वाई टू. ठीक है, मेरे पास वैल्यूज आ गए किसके किसके, एक्स वन वाई वन, सेकंड इज एक्स टू वाई टू. वैल्यू आ चुके हैं परफेक्ट एकदम, बस स्लोप के अंदर पुट करने हैं. कैसे पुट करते हैं आ जाओ देखते हैं. राइट, सो व्हाट्स वाई टू, व्हाट इज वाई टू? वाई टू इज सेवन. राइट, सो वाई टू की वैल्यू कितनी है? सेवन. इट्स सेवन. वाई टू यहाँ पे पुट करते हैं सेवन, माइनस साइन एज इट इज. वाई वन, व्हाट इज वाई वन? वाई वन देखो, वाई वन कौन है? फोर है. फोर अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. ये एक्स टू है, एक्स टू माइनस एक्स वन. व्हाट इज एक्स टू? हैव अ लुक. एक्स टू मतलब फाइव फॉर दिस पर्टिकुलर सम. एक्स टू का मतलब है फाइव. यहाँ पे पुट कर दो फाइव, माइनस साइन एज इट इज. व्हाट इज एक्स वन? एक्स वन क्या होता है? एक्स वन क्या होता है? एक्स वन होता है टू फॉर दिस सम, टू. और एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आएगा, सर क्या हमेशा पॉइंट पॉजिटिव होते हैं क्या? टू फोर फाइव सेवन, सर सब पॉइंट पॉजिटिव है. देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, इनमें कोई नेगेटिव नहीं लगा हुआ है. नहीं नहीं, पिछले सम में नेगेटिव था. तो याद रखना है पॉइंट हमेशा पॉजिटिव हो, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? तुमको पता है कोऑर्डिनेट मतलब, देखो ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है एक्स का नेगेटिव कोऑर्डिनेट, ऊपर होता है वाई, नीचे होता है वाई का नेगेटिव. तुमने देखा होगा ये वन टू थ्री, ऊपर भी वही होता है वन टू थ्री. लेफ्ट साइड में क्या होता है? माइनस वन माइनस टू. नीचे क्या होता है? माइनस वन माइनस टू. तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ. ये ग्राफ है राइट, इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट होते हैं पॉजिटिव एंड कोऑर्डिनेट होते हैं नेगेटिव, बहुत तरह अलाउड राइट. सो दैट्स इट. यहाँ पे पॉजिटिव आए क्यों? क्योंकि लाइन हो सकता है ये एरिया में हो, ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, ये एरिया में लाइन हो. हमारी जो लाइन है ना, उसका हमको स्लोप जिसका निकालना ना, ये पॉइंट ए और बी, लाइन नहीं दिया है एक्चुअली, पॉइंट दिया है ए एंड बी. ये जो पॉइंट है हो सकता है पॉजिटिव एरिया में हो राइट, इसलिए आंसर हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, पॉइंट्स पॉजिटिव है. ठीक है, अगर हो सकता है वो नेगेटिव में होते तो यहाँ पे माइनस टू आता, माइनस फाइव आता. तो पॉइंट्स कैन बी नेगेटिव राइट, इट्स फाइन बिकॉज एट लास्ट दे बिलोंग टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव सब अलाउड, इंटीजर खुद ही इंटीजर लोग हैं. आई होप सबको पता है इंटीजर क्या होता है. ठीक है, इंटीजर मतलब नेचुरल यू नो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर, बोथ आर अलाउड, एंटायर नंबर लाइन, जीरो भी अलाउड है. ठीक है, तो पॉइंट, और एक बात, चलो जीरो से अच्छी बात याद आई, क्या ये पॉइंट में जीरो आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है. फिर यहाँ पे फाइव कॉमा जीरो लिख सकते हैं, जीरो कॉमा फाइव सब आ सकता है. जीरो तो बिल्कुल आ सकता है. क्यों आ सकता है? क्योंकि नंबर लाइन में बीच में जीरो ही होता है सबसे, जीरो इज अलाउड. और इंटीजर में भी जीरो ही रहता है ना, इंटीजर की लाइन होती है पॉजिटिव नंबर्स, जीरो नेगेटिव, ऑल आर अलाउड. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स सॉल्व दिस. सेवन माइनस फोर कितना होता है? व्हाट्स द वैल्यू सेवन माइनस फोर? थ्री. अपॉन फाइव माइनस टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव माइनस टू? अगेन थ्री. थ्री बाई थ्री इज वन. सो स्लोप का आंसर आ गया वन. क्या स्लोप वन हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ में आ गया. ठीक है, जल्दी से इसको, जो स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया, एक्चुअली ओनली टू स्टूडेंट्स गॉट द आंसर, बाकी लोग जल्दी से इसको लिख लो एक बार. ठीक है, आफ्टर 30 सेकेंड्स आई विल स्टार्ट द न्यू सम. ओके, कम ऑन राइट दिस आउट.
ओके सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. आई होप दिस वन इज़ वेरी क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ स्क्रीन पे, बुक पे एक्चुअली. फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो पे अटेंशन, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड the slope of line which passes through the origin and point A, that is minus 4 comma plus 4. ठीक है, so this is the question which says that find the slope of the line. Now we want to find the slope of the line which you know passes through the origin and point A. Point A क्या है? Minus 4 comma 4. एक कोई भी point दिया. अब थोड़ा सा ये सम थोड़ा डिफरेंस सम है. डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट दिया है. अब एक पॉइंट देने का मतलब है दैट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. सर एक ही पॉइंट दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपने अभी बताया हमको स्लोप के दो फार्मूला हैं. स्लोप का फॉर्मूला है टैन थीटा, स्लोप का फॉर्मूला है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. ठीक है, देखो एक्चुअली ना रियल लाइफ में स्लोप के और फार्मूला भी हैं, हम डिस्कस करेंगे बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. अभी के लिए हमने अभी जो देखे हैं, अभी तक तो दो देखे हैं ना, तो अभी तक दो ही हम बोलेंगे. ठीक है कि स्लोप के दो फार्मूला हमको पता है अभी तक, आगे देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट फार्मूला इज टैन थीटा, सेकंड वन इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. राइट, जो टैन थीटा जो फार्मूला है यहाँ पे तो कुछ लगेगा नहीं. क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज थीटा मतलब इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन तो दिया नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट सम में दिया था. तो कौन सा लगेगा? इसको बोलना है टाटा बाय बाय. हाँ तुम लग सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास यू नो पॉइंट्स है वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन. मेरे पास भी पॉइंट है, तुम्हारे पास भी पॉइंट पे चलते हो तुम. राइट, तो ये फॉर्मूला लग सकता है. बट एक क्वेश्चन फिर माइंड में आ जाता है कि ये फॉर्मूला तो तभी चलता है ना जब दो पॉइंट होंगे. हमारे पास तो एक ही पॉइंट है, माइनस वन कॉमा फोर, सॉरी माइनस फोर कॉमा फोर. क्या ये फॉर्मूला चलेगा क्या एक पॉइंट पे? सोचो और मुझे आंसर बताओ. आंसर गलत हो जाए ना तो कोई टेंशन नहीं, सही हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आया वो भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट बताओ, तो मेरा क्वेश्चन समझो, फिर से बताता हूँ. टैन थीटा के अभी तक हमको दो फार्मूला पता है, टैन थीटा के नहीं स्लोप के. निकालना क्या है? स्लोप, स्लोप ही निकालना है. और स्लोप के दो फार्मूला है, फर्स्ट इज टैन थीटा. क्या ये लगेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इंक्लिनेशन दिया ही नहीं है. फिर क्या लगेगा? ये लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है. क्यों लग सकता है ये? क्योंकि पॉइंट पे चलता है ये भी, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. बट पॉइंट कितने दिए हैं? एक ही दिया है, माइनस फोर कॉमा फोर. हमको तो दो पॉइंट चाहिए होते ना, ए और बी या पी क्यू सी डी. क्या करना चाहिए? योर व्यू ऑन दिस सम, कम ऑन लेट मी नो. क्या लगता है सबको? हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा. बट मेरा क्वेश्चन है कि जो सेकंड पॉइंट की जगह पे कौन आएगा? सेकंड पॉइंट के मैं कैसे जवाब दूँ? सेकंड पॉइंट कैसे वर्क करेगा ये सम के लिए? कम ऑन लेट मी नो. देखो स्टूडेंट्स, जवाब चाहिए मेरे को, कम ऑन, जवाब मेरे को सबका चाहिए. जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं हर एक बच्चे ने चैट में लिखना ही है. ओके, अपने मेरे को ना कॉलेज का टीचर या स्कूल का टीचर मत समझो, जहाँ पे तुम लोग जवाब दोगे नहीं, डर डर के रहोगे. बिंदास ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, आई एम डिफरेंट, सो यू कैन यू नो जस्ट आई वॉन्ट एवरी वन आंसर. सही आंसर नहीं मांग रहा हूँ, बट आंसर मांग रहा हूँ. कम ऑन. ठीक है, तो दो आंसर मेरे को आ गए हैं. ओरिजिन 0,0, वेरी गुड. राइट, सो दोनों आंसर दिए हैं मुझे, वो बिल्कुल सही आंसर है. राइट, तो ऐसा है कि आंसर हमारे जो पॉइंट सेकेंड पॉइंट है ना, ये हमारा ओरिजिन हेल्प करेगा. वेरी गुड,
ओरिजिन जो है हमारा हेल्प करेगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई चीज़ हमको मिलती नहीं है ना, तो उसके जगह पे कुछ ना कुछ तो देते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोग एक शॉप पे गए, ठीक है, ये है तुम एक शॉप, उसका बोर्ड लगा है शॉप, ठीक है, आइसक्रीम लेने के लिए गए। ओके अभी नहीं गए, मतलब मैं बता रहा हूँ पिछले साल गए समझो, अभी पता नहीं जाते हो कि नहीं, जाना भी नहीं चाहिए, पिछले साल समझो गए, ठीक है। तो पिछले साल गए हो शॉप में आइसक्रीम लेने के लिए, ठीक है, तो मैं भी तुम गए 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 यहाँ पे गए अंदर, एंड उस शॉपकीपर को बोला कि भैया मेरे को दो आइसक्रीम दे दो, एंड द फ्लेवर शुड बी चॉकलेट फ्लेवर, सपोज टू आई वांट टू चॉकलेट टू आइसक्रीम्स। ओके देन ही टोल्ड कि मेरे पास तो चॉकलेट की एक ही है, एक ही चॉकलेट की है मेरे पास, दूसरी एक ही है। तो बोला नहीं मेरे को दो चाहिए, उसने बोला मेरे पास एक है, तुम क्या करोगे? तुमने पता क्या किया? उसको बोला ठीक है भैया मेरे को ना एक ही दे दो तुम, दूसरा कुछ है बता, स्ट्रॉबेरी है, हाँ वो दे दो, दोनों लेके वापस आ। तो वही हो रहा है इधर, पॉइंट चाहिए कितने? दो चाहिए, ए कॉमा बी, पिछले समय में दो पॉइंट चाहिए थे, हाँ चाहिए थे। तुम ना शॉप में ना दो दिन पहले भी गए थे, पिछले साल की बात हो रही है, दो दिन पहले गए थे उस उत्तम, तब तुमको दोनों चॉकलेट मिल गए थे, ये भी चॉकलेट ये भी चॉकलेट, पिछले सम में वो था पिछला सम जिसमें दोनों चॉकलेट मिल गए हैं, ये देख लो यार, ये भी चॉकलेट था, ये सब मिल गया था, सही एकदम दो पॉइंट मिल गए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही चॉकलेट, बी चॉकलेट भाई नहीं, क्या करना है फिर? स्ट्रॉबेरी ले लो, स्ट्रॉबेरी कौन है ये, और ओरिजिन, ऑरेंज फ्लेवर ले लो, ये देखो ऑरेंज, ओ से समझ में आ रहा है, लॉजिक समझो, दैट्स द पॉइंट यू नो, कुछ नहीं है तो कुछ तो है, वो ले लो, आज के नहीं चला लेते हैं तो बिल्कुल चलेगा 100%। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा दैट गिवन, मेरे को जो गिवन है दिया हुआ ए इज -4.4, राइट, ये मेरे को दिया है, पॉइंट है मेरा, पावरफुल है, मेरे को दिया है ना, इसलिए इसको लिखूँगा x1, y1। इसका मतलब है यार, कोई कभी कभी बुक में ना ऐसा लिखा होता है 3-x1, y1, इसका मतलब मालूम है क्या होता है? जो पहला वाला पर्सन है ना वो x1 है, कॉमा कॉमा सेकेंड पर्सन जो है मीन्स द सेकेंड कोऑर्डिनेट दैट इज y1। इसका तुम ऐसे भी लिख सकते हो x1, y1, बोथ आर फाइन, बट टेक्स्ट बुक में उसके सिर के ऊपर नहीं लिखते, टेक्स्ट बुक हो गया डाइजेस्ट हो गया, वो लोग क्या करते हैं ऐसा लिखते हैं ट्रिपल इक्वल टू मीन्स ट्रिपल टाइप, तीन बार साइन लगा के लिखते हैं। ये क्या बोलता है कि पहला वाला x1 है, सेकंड वाला y1 है, इसे हमने टॉप पे लिखा है, दोनों एक ही है क्या? दोनों एक ही है, बट कौन से फॉलो करेंगे, ये करो फॉलो, क्यों? टेक्स्ट बुक ये करती है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। सेकेंड पॉइंट बी नहीं है मेरे पास आज, क्या करूँ? कोई बात नहीं, ओरिजिन तो है, 0.0 ले लिया इसको, 0.0 चलता है, क्यों नहीं चलता? इंटीजर है ना, 0 भी इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, नंबर लाइन में आता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव बीच में 0, पावरफुल है ये भी, 0 उसका ही पार्ट है, क्या चलेगा 0? बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, x2, y2 लिखूँ, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे लिखूँगा x2, y2, क्यों? बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज अ पॉइंट टू मी, ओरिजिन इज अ पॉइंट, ओरिजिन एक पॉइंट होता है, समझ में आ रहा है? जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना हम ओरिजिन ही बोलते हैं उसको, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट बी हमेशा होना ज़रूरी नहीं है, ओरिजिन भी एक पॉइंट होता है, समझ में आ रही है सबको? ओरिजिन लिखना इज कम्प्लीटली फाइन, यू नो वी कैन यूज़ ओरिजिन एंड वी विल यूज़ ओरिजिन इन दिस पर्टिकुलर सम, ठीक है। निकालना क्या है हमको, स्लोप निकालना है, क्या फार्मूला है स्लोप का? यही फार्मूला लगेगा, हाँ यही लगेगा, बस ये तो ओरिजिन है, सेकेंड पॉइंट नहीं है ये, तो कोई बात नहीं, फार्मूला यही लगेगा, ये सेकेंड पॉइंट की तरह एड एक्ट करेगा, राइट? सो स्लोप इज इक्वल टू, यू वांट टू फाइंड स्लोप, राइट, फाइंड स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। फिर से बताना चाहता हूँ, स्लोप का फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए, y2 से चालू होता है -y1, पहले y2 आता है फिर y1 आता है, और ऊपर टॉप में y1 का सब y होते हैं, नीचे जाके x स्लोप होते हैं, राइट, x के कोऑर्डिनेट्स। ऑलवेज रिमेंबर, फार्मूला में चेंजेस होना ज़रूरी नहीं करना है हमको, चेंजेस सेम टू सेम। सो y2 - y1 / x2 - x1, डन। नाउ व्हाट इज y2? y2 कितना है देख लो, y2 है ना 0, तो 0 माइनस, फार्मूला का माइनस, राइट, y1, व्हाट इज y1, ये देखो y1
अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. वॉट इज एक्स टू? एक्स टू इज जीरो माइनस. कहाँ का माइनस? ये फार्मूला वाला माइनस, राइट? माइनस फ्रॉम दी फार्मूला, ये फार्मूला का माइनस. एक्स वन, एक्स वन कितना है? एक्स वन, एक्स वन माइनस फोर है. देख लो माइनस फोर. देखो ये वाई वन है ना, सेकंड है ना, बाद में आ रहा है, तो ये बाद वाला फोर है. एक्स वन है ना, पहले आ रहा है, तो एक्स वन कितना है? माइनस फोर है. माइनस फोर तो यहाँ पे माइनस फोर है, तो लिख दो माइनस फोर. बिल्कुल लिख दो, बट ये तो पहले से माइनस है. क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा देंगे. दोनों साइन एक साथ नहीं लिखने चाहिए. सो जीरो माइनस फोर, व्हाट्स द आंसर? माइनस फोर. नीचे क्या होगा? अपॉन जीरो. माइनस माइनस मीन्स प्लस, जीरो प्लस फोर, प्लस फोर ही होता है. दैट्स इट. अब क्या होगा? फोर एंड फोर कैंसिल होगा, राइट? ऊपर नेगेटिव साइन है ना, ये नीचे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव की कुछ प्रॉब्लम नहीं. पॉजिटिव को तुम हटा ही सकते हो, ज़रूरत नहीं उसकी. उस पॉजिटिव लिखना, एक्सप्लिसिटली लिखना ज़रूरी नहीं, हटा दो उसको. ये माइनस लिखना ज़रूरी है कि हाँ. तो फोर अपॉन फोर कितना आता है? वन. बट ये माइनस है ना टॉप में, माइनस वन. दिस इज द आंसर, राइट? सो आंसर कितना है? माइनस वन. सो फाइनली वी गॉट द आंसर, स्लोप इज माइनस. और एक बात, जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं ना, जैसे मैंने क्या किया, देखो इक्वल टू के बाद ना, ये जो लिखा है ना मैंने, ये इसके नीचे लिखना ज़रूरी है. इसके नीचे लिखो, फिर इसके नीचे. ये जो मैंने किया है ना, ये ऐसे ही कर दिया गलती से. बट तुम्हारे बुक में जो ना, एक के नीचे एक होना चाहिए. नीटनेस को मार्क्स होते हैं, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, नीटनेस इतनी फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि यू नो अभी मेरा जो 11th 12th का आदत है या 10th स्टैंडर्ड का, वो हट चुका है ना अभी. मेरे को प्रेजेंटेशन वगैरह कहीं ज़रूरत नहीं है इतना. तुम लोग को ध्यान रखना है कि एक के नीचे एक लिखना है, ठीक है? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ना, क्या होता है, एक अच्छी तरह लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है. बट तुम लोग ट्राई करो, ठीक है? अच्छी तरह लिखना है तुम्हें. इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये. यहाँ पे लिखना गलत बात है. इसके नीचे, इसके नीचे. 11th स्टैंडर्ड के पेपर में एंट्रेंस में क्या करना है, जहाँ MCQ को टिक करना है, उधर क्या करें? कुछ भी करो उधर. उधर तो रफ वर्क ही होता है सब, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. एंड माइनस वन इज़ द आंसर. माई एवरी वन हुएवर इज़ वॉचिंग, लेट मी नो आर यू गेटिंग दिस. समझ में आ रहा है सबको? आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ईच एंड एवरी वन. समझ में आ रहा है? हम लोग इतना डिटेल में जा रहे हैं कि ये सब तुम्हारे एग्ज़ाम में आ जाए. मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो ऑनलाइन लेक्चर्स के बाद भी अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में आ जाए, और अगर तुम पूरा लेक्चर मेरा स्टार्टिंग से देखा है विदाउट एनी ब्रेक, तो ये तुम एग्ज़ाम कल ही तुम एग्ज़ाम में लिख दो, अभी लिख दोगे, राइट? वैसा कॉन्फिडेंस आई होप सबको आ रहा है, एंड वही चाहिए, ठीक है? देखो मेरी बात मानो, कभी भी ना तुमको एक टेस्ट करना ना अपना खुद का, कि मेरे को आता है कि नहीं कुछ, तो याद रखो कहीं से तुम सीख रहे हो, मेरे से सीख रहे हो. सीखने के बाद अगर तुम्हारे में फीलिंग आ गया कि हाँ सर अभी आपने मेरे को बोला ना, लिख के दिखाओ, मैं अभी लिख दूंगा आंसर, माइनस वन लेके आऊँगा, तो फ़ायदा है. फिर अगर वैसा नहीं कर पा रहे, मतलब गड़बड़ है, ठीक है? आई होप दैट्स द पॉइंट, आई होप इट्स क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है? बिना देखे लिखने आना चाहिए. सब लॉजिक से किया, मेरे को याद ही नहीं किया. हाँ, ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है, बट वो 10 सम करोगे तो अपने आप याद होता है, ओके? सो आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर एवरीवन. एंड सो आई कैन सी ओनली 3 स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग. आई डोंट नो अबाउट रेस्ट पीपल, रेस्ट ऑफ देम, ओके? फाइन. सो बाकी के जो लोग हैं वो भी जवाब दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं. फाइन. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ जस्ट राइट दिस वेरी क्विकली एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट सम. इसको लिख लो जल्दी से, और पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखो. डोंट राइट द क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट राइट द सोल्यूशन. क्वेश्चन घर पर लिख लेना बाद में, आफ्टर लेक्चर.
फाइन, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन, सबने लिख लिया होगा राइट, आई होप यू माइट हैव रिटन दिस, लेट्स प्रोसीड फर्दर, फाइन, ओके. सो आई कैन सी ओनली 3 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर वॉचिंग एंड यू नो आई एम सीइंग दैट देयर आर 5 बट एक्चुअली 3 आर रिप्लाइंग, सो नो प्रॉब्लम. Earlier, I used to see that 10 students used to be there, but no problem. Let's continue, fine. So, now we will see a new concept, fine. एक नया concept हम लोग सीखते हैं अभी, okay? वो concept क्या है? तो वो concept ये है, पहले उसका मैं थोड़ा सा theory बता देता हूँ, formula बता देता हूँ, then we will proceed. टू द सम ऑफ दैट पर्टिकुलर थेरी, ओके. जो फॉर्मूला सीखा है उसके ऊपर सम भी हम करने वाले हैं, ओके, फाइन. ऐसा है कि यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, सबको पता है क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन, क्या होता है मुझे बता सकता है क्या कोई, क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन, मतलब क्या? बस मुझे पता है, बट मुझे फिर से बताओ एक बार क्या होता है. कम ऑन, एनीबॉडी फ्रॉम यू ऑल वुड लाइक टू लेट मी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. सो या राइट, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, करेक्ट. तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है ये समझ लो, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये एक लाइन है, ये एक सेकंड लाइन है, फाइन. ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है. समझ लो अगर ये परपेंडिकुलर है, राइट, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री एंगल, राइट, राइट एंगल 90 डिग्री. ये कितना हो, ये भी 90 होता है, क्योंकि टोटल पूरा 180 होता है. लीनियर पेयर एग्जाम, लीनियर पेयर पता है हमको, राइट. ये पूरा कितना होता है, 180 होता है, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, बिल्कुल ठीक. और हम लोग को दोनों से कुछ वो नहीं होता, बस हमको बस बताना होता है कि ये 90 है, ये भी 90 है, बस इतना ही काफ़ी, दैट वी नो दिस, ठीक, ओके. तो ये परपेंडिकुलर लाइन तो हमको पता है क्या होता है, हमें पहले से पता है, हमको पढ़ा है हमने, राइट. पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि परपेंडिकुलर लाइन का स्ट्रेट लाइन में क्या मतलब आता है. बिल्कुल आता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली लाइन के बारे में ही बात हो रही है. तो हम ऐसी लाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली दो लाइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दो लाइंस, टू लाइंस, राइट. वो लाइन ऐसी हैं कि दोनों परपेंडिकुलर हैं. तो वो एक बताना चाहते हैं कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, फाइन. सो दे वांट टू टेल हु स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन वांट टू टेल अस दैट what will happen when two lines are perpendicular. Perpendicular मतलब 90 degree, ये हमको पता है. But question ये आता है कि straight line, अगर दो line है मेरे पास, इसको तुम L1 बोल दो, इसको तुम L2 बोल दो, line 1 और line 2, अगर ये perpendicular हैं तो क्या होता है, वो हमको देखना है, ठीक है, बता दो. अब एक बात बताना चाहता हूँ, लिसन वेरी केयर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. हमने जो अभी फॉर्मूला देखा ना स्लोप का, क्या फॉर्मूला था ये, मैंने पेज टर्न किया है, पीछे लिया, नेक्स्ट प्रीवियस पेज लिया है मैंने, उसमें हमने पढ़ा कि स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वी हैव जस्ट नाउ सीन दिस, राइट. तो बस मेरा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सबके लिए सोचना है सबने, ये जो स्लोप है किसका है, किस चीज़ का स्लोप है. जो स्लोप हमने फॉर्मूला लिया ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1, अब कोई कोई बोलेंगे सर ये पॉइंट है, पॉइंट का स्लोप है. नहीं नहीं नहीं, खुद ही दिया हुआ था स्लोप ऑफ लाइन, उन्होंने खुद ही बताया किस चीज़ का है स्लोप ऑफ लाइन. तो याद रखो ये जो स्लोप का फॉर्मूला है क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये जो फॉर्मूला तो हमको पता है, अगर मैं तुमको पूछूंगा ये क्या है, तुम बोलोगे स्लोप का फॉर्मूला है. अरे स्लोप का फॉर्मूला मत बोलो, बोलो स्लोप ऑफ लाइन. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको. मैंने इतने स्टूडेंट्स को पूछा हुआ ये आंसर,
सब बोलते हैं सर स्लोप का फॉर्मूला है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस, वो गलत नहीं है बट इनकम्प्लीट आंसर है। ये तो बताओ स्लोप किसका है, समझ में आ रहा है स्लोप किसका है ये पता होना चाहिए। सो स्लोप ऑफ लाइन इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूँगा कि तुम पढ़ने के लिए कहाँ पे जाते हो, तुम बोलोगे स्कूल में जाता हूँ या कॉलेज में जाता हूँ, वो सही आंसर नहीं हुआ। ये तो बताओ ना कौन से कॉलेज में जाता हूँ, फिर तो समझ में आता है ना, है ना। समझो तुम कहीं जा रहे हो, तुमको कोई पूछता है कि यू नो तुम क्या करते हो, बोलोगे सर कॉलेज में हूँ मैं, कौन से कॉलेज में, बोलोगे मैं कॉलेज में हूँ, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है, कॉलेज में तो हो, कौन से कॉलेज में हो, ये वाले कॉलेज में। सो स्लोप ऑफ लाइन इज़ मैंडेटरी, याद रखना स्लोप ऑफ लाइन। अब तुम बोलो सर इतना सा छोटी सी बात है ना, इसमें क्या हुआ, नहीं फिर भी इंपॉर्टेंट है वो स्लोप ऑफ लाइन। अब मैं इधर पीछे तुमको लेके क्यों आया, ऑफ कोर्स ये बताने के लिए आया, पर सबसे ज़रूरी बात मैं बताने के लिए आया हूँ कि हमको पता है स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है, ये तो याद रखो ये फॉर्मूला स्लोप ऑफ लाइन का। अब आ जाओ इसको परपेंडिकुलर लाइन में, हमने देखा ये फर्स्ट वाली लाइन है L1, सेकेंड वाली लाइन जो है L2। रिपीट आफ्टर मी, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट लाइन इज L1, व्हाट इज द सेकेंड लाइन, L2। ये है L1, ये है L2, इनका स्लोप का फॉर्मूला कितना होगा, बोलो कितना होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन वन कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। स्लोप ऑफ लाइन टू इसका फॉर्मूला कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2। अगर मन में डाउट आएगा सर ये आपने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है इनके लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला लाइन का होता है, इसलिए हमने पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है वो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लाइन का। फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था स्लोप इक्वल टू टैन थीटा, वो किसका फॉर्मूला है, वो इंक्लिनेशन दिया होता है तब वो फॉर्मूला यूज़ करना, तो टैन थीटा का फॉर्मूला, दैट्स इट। ये जो हमारा है फॉर्मूला ये लाइन का फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर लाइन जब निकालेंगे तो सर स्लोप निकालना ज़रूरी है, तुम्हारे मन में डाउट आएगा 100% ज़रूरी। तो याद रखो, हमेशा याद रखो, जब भी दो, लिसन वेरी केयरफुली, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सबने अपना कान खोल के सुनना है, लिसन वेरी केयरफुली, अपने ईयर्स ओपन कर लो और ये बात ध्यान से सुन लो। L1 मतलब एक लाइन है, ठीक है, L2 मतलब दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो L1 इज फर्स्ट लाइन, L2 इज सेकेंड लाइन। अगर दोनों परपेंडिकुलर हुए, ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, अगर दोनों परपेंडिकुलर हुए तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इफ़। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात सब सुनो मेरी बात, ये L1 और L2 है ना, मेरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, स्लोप ऑफ L1 को हम पता है क्या बोलेंगे, M1, स्लोप ऑफ L2 को हम बोलते हैं M2। तुम्हारे मन में डाउट है सर ये क्या नई चीज़ आपने बता दी, M1 M2 कहाँ से आया। देखो हमारा खुद का एक नाम होता है कि नहीं, मेरा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, सिमिलरली स्लोप ऑफ L1 स्लोप ऑफ L1 बार बार बोलने से अच्छा M1 बोल दो ना सीधा, तो ये पता चल जाएगा कि स्लोप ऑफ लाइन वन इतना बड़ा बताने से अच्छा M1 बता दो ना, राइट, फाइन। आई होप यू आर गेटिंग, स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2 इससे अच्छा M2 बोल दो, तो उनका एक नाम दिया हुआ है, किसने दिया है, मैथमेटिशियंस ने दिया है। तो बोलो सर इसको मैं N1 बोल दूँ क्या, L1 बोल दूँ, P1 बोल सकता हूँ, P2 नहीं, नहीं, नहीं। M1 ही बोलना है इसको, M2 ही बोलना है, वाई ऐसे ही प्रोनाउंस होता है। सो याद रखो स्लोप ऑफ L1 इज M1, स्लोप ऑफ L2 इज M2। तो हमको पता चल गया कि L1 L2 क्या है, लाइन है, ये एक लाइन है, ये L2 दूसरी लाइन है, M1 क्या है, लाइन है क्या, नहीं नहीं, M1 इस लाइन का स्लोप है, ये लाइन का स्लोप कौन है, M1, ये लाइन 2 है इसका स्लोप कौन है, M2, यहाँ पे लिखा भी मैंने स्लोप ऑफ L2 M2, दैट्स इट। बोलो सर ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, और सबसे मेन पार्ट मैं बोलने वाला था वो क्या है, अभी बता रहा हूँ, लिसन वेरी केयरफुल, मेन पार्ट ऐसा है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लास्ट में बता रहा हूँ, लिसन वेरी केयरफुल। जब भी इफ़ यहाँ पे था ना मैं, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है, राइट, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एग्जाम्पल के लिए ये देख लो, ये एरो दिखा रहा हूँ कि टू लाइन्स ऑफ परपेंडिकुलर देखना है, तो ये एरो देख लो, लाइन वन लाइन टू, एग्जाम्पल देख लो ऊपर, ठीक। सो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो हमेशा याद रखना जो उनके स्लोप्स होते हैं ना, एम वन और एम टू उनके स्लोप है ना, यहाँ पे बताया मैंने, लाइन वन का स्लोप एम वन होता है, लाइन टू का, लाइन टू का स्लोप एम टू होता है। स्लोप मतलब वही वाई टू माइनस वाई वन अपॉन टू। सो टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एम वन इन टू एम टू करोगे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आता है माइनस वन। दैट्स द पॉइंट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर दो लाइन दिए हुए हैं, ठीक है, दो लाइन दिए हैं, अगर उन लाइन का तुमने स्लोप निकाला, कैसे निकाला, इनके फार्मूला की मदद से, ये L1 का L2 का ऐसे ही फार्मूला से निकलता है ना, यही स्लोप का फार्मूला, इसका कुछ आंसर आ जाएगा, समझ लो वन आ गया, समझ लो इसको सॉल्व किया तो तुमने, इसको समझो इसको सॉल्व किया तुमने आंसर आ गया, यू नो वन आ गया, चलो इसको सॉल्व किया आंसर माइनस वन आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको सॉल्व करके आंसर वन आ गया, क्या है वो, एम वन है ना, एम वन स्लोप ऑफ लाइन वन, इसका आंसर समझो वन है, फॉर एग्जाम्पल एम टू स्लोप ऑफ लाइन टू, इसका आंसर आ गया माइनस वन, यहाँ पे तुम वैल्यूज पुट करो, एम वन की वैल्यू कितनी है देख लो, वन इन टू एम टू की वैल्यू कितनी है, ये प्लस वन है, प्लस वन, एम टू की कितनी है माइनस वन, तो माइनस वन, इसका आंसर कितना है वन इन टू माइनस वन, क्या माइनस वन आ रहा है, हाँ आ रहा है, मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखो अगर मुझे कोई लाइन परपेंडिकुलर निकालनी है ना, बस मुझे क्या करना है, एक ही काम करना है, स्लोप चेक कर लो उनका, बस दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिली है, कोई भी लाइन जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन की मदद से कोई भी लाइन होती है, उसका अगर मुझे बस पता करना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, कैसे मालूम कर सकते हैं, m1 into m2 equal to minus 1। अब तुम्हारे मन में डाउट है सर, अगर समझ लो फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्व किया m1 पूरा सॉल्व किया उसकी वैल्यू आ गई 5, m2 सॉल्व किया उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आ गई 3 आ गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल m1 m2 आ गया, एक काम को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ उसको 1, फॉर एग्जांपल स्लोप m1 आ गया 1, m2 आ गया 3, क्या होगा सर यहाँ पे m1 into m2 क्या होगा, यहाँ पे देता हूँ m1 into m2 कितना होगा, m1 मतलब 1 into m2 कितना है 3, सर m1 into m1 कितना आ रहा है, m1 into m2 किया तो मैंने कितना आया 1 into 3, 3 आ रहा है, बट ये 3 जो है क्या माइनस वन जितना है, नहीं है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, तो याद रखो दैट्स द पॉइंट। सो अगर माइनस वन आता है m1 into m2 तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, अगर वो m1 into m2 नॉट इक्वल टू माइनस वन तो क्या आता है आंसर, नॉट परपेंडिकुलर। सो यही हमको सीखना था कि एम वन इंटू एम टू अगर होगा, अगर वो 90 डिग्री आता है तो हम उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, नहीं आता है तो क्या बोलते हैं, नॉट परपेंडिकुलर, एज ईजी एज दैट, राइट, दैट्स द पॉइंट। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके भी दिखाया तुमको, ऑफकोर्स एक एग्जाम्पल लूँगा मैं, टाइम हमको इतना ही दिया है, तो अभी है ना हमारा 4:30 तक लेक्चर है, तो मैं उसको लेक्चर एंड कर दूंगा 5 मिनट में, बट यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट, ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि M1 जो है हम निकालते हैं, देखो M1 निकालना कोई बड़ी बात है, तुमको भी पता है हमने 3 सम किए हैं, तो स्लोप निकालना हमको आता है, अच्छी तरह आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, सेकेंड लाइन का भी स्लोप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फार्मूला से निकालेंगे, बहुत आसान सा फार्मूला है, निकालने के बाद उनका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, किसका किसका, m1 into m2, कौन है m1 m2, स्लोप ऑफ लाइन 1 m1, स्लोप ऑफ लाइन m2, स्लोप ऑफ लाइन 2 इज m2, स्लोप ऑफ लाइन 1 इज m1, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया माइनस वन, क्या होगा, परपेंडिकुलर बोल दो, सीधा बोल दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, अगर माइनस वन नहीं आया तो क्या है, नॉट परपेंडिकुलर, फिर क्या है सर, वो देखते हैं ना क्या है बाद में, और अभी याद रखो m1 into m2 अगर इक्वल टू माइनस वन आ रहा है, स्लोप्स आर दी लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है कि नहीं कैसे मालूम पड़ता है, m1 into m2 इक्वल टू माइनस वन, ओके। सो होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है, ओके। नाउ यू नो आई एंड लेक्चर इन सम टाइम, हार्डली 2-3 मिनट्स आई टेक एंड आई एंड द लेक्चर,
सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुन, लिसन वेरी केयरफुली, बस कुछ नई चीज़ नहीं बता रहा, इसी का वाइस वर्सा बता। तो वाइस वर्सा तुमको पता हो रहा है, जिसको नहीं पता बता दूँ, वाइस वर्सा मतलब ना उल्टा, अपोजिट, ठीक है? तुमने सुना होगा, अगर समझो यू नो बताता हूँ मैं वाइस वर्सा का एक रियल लाइफ एग्जांपल। वाइस वर्सा मतलब जैसे कि ना इक्वल एंड अपोजिट, ये इसको करता है तो वो भी ये करेगा, दैट्स द मीनिंग ऑफ वाइस वर्सा, ठीक है? ओके, फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स है, राइट? ये उसको चॉकलेट देता है, ये भी कुछ ना कुछ चॉकलेट देगा, तो ऐसा एक एग्जांपल वाइस वर्सा, ये दे रहा है तो ये भी दे रहा है, राइट? दैट्स द पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे वाइस वर्सा लगता है, क्या लगेगा इसका मतलब क्या, कि एम वन इंटू एम टू इज माइनस वन। मैंने क्या बोला अभी, अगर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, अगर इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो टू लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हुए तो क्या होगा, देन एरो दिखा रहा हूँ, देन क्या होगा, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है? ध्यान से सुनना, बस मैं फोकस करता हूँ थोड़ा इस पर, बस लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। देखो ध्यान से सुनो, वाइस वर्सा बता रहा हूँ कि अगर दो लाइन है परपेंडिकुलर है तो क्या हो रहा है, एम वन इंटू एम टू इज माइनस वन हो रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो एम वन इंटू माइनस वन हुआ ना। सिमिलरली अगर एम वन इंटू एम टू माइनस वन है, अगर इक्वल टू माइनस वन है, इक्वल टू माइनस वन है, तो क्या टू लाइन्स परपेंडिकुलर होंगे? हाँ, 100% होंगे। बस उल्टी बातें हैं, राइट? जैसे अभी बताया ना, एक फ्रेंड इसको चॉकलेट दे रहा है, ये भी चॉकलेट दे रहा है, तो टू लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो एम वन इंटू एम टू इज माइनस वन, 100% चलेगा। कब? जब ये ट्रू है तो, सही है, ये सही होगा तो चलेगा, और अगर ये सही है तो ये चलेगा। अगर एम वन इंटू माइनस एम वन इंटू एम टू को मैंने सॉल्व किया, माइनस वन आ गया, दो लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है? तो दैट्स द पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है? मैं यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करता हूँ। बस मुझे जाने से पहले एक बार बता दो सब लोग, पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लो, इसको एक मिनट में ना कॉपी कर लो, जो जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस पे सम्स आते हैं, तीन तीन मार्क के सम आते हैं इसके ऊपर, एम वन इंटू एम टू माइनस वन, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मुझे लास्ट में बता दो कि समझा कि नहीं। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, फिर मैं लेक्चर एंड कर दूंगा, ओके? ये जो सम है इंपॉर्टेंट है, एम वन इंटू एम टू माइनस, ये वाइस वर्सा को भी ध्यान से समझो, ठीक है? लिख लो इसको, ठीक है? एंड मीनवाइल मुझे एक बार जल्दी से सब लोग बताएंगे कि क्या ये सम सबको समझ में आया, थ्योरी जो पढ़ा है समझ में आया। ऑफकोर्स इन द यू नो दिस एंटायर वीक आई एम नॉट हैविंग योर लेक्चर्स, बट द नेक्स्ट वीक आई विल कंटिन्यू फर्दर, ठीक है? जल्दी से हर एक स्टूडेंट का मेरे को जवाब आना जरूरी है, ठीक है? समझ में आ रहा है या नहीं, ओके? फाइन, समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से सब लोग बताओ मुझे, फाइन, ठीक है? ओके, सो वेरी गुड, एवरी वन इज गेटिंग दिस, वेरी गुड, रियली वेरी हैप्पी टू सी दैट, यू नो इतने दिन बाद भी हम जब मिले हैं तो भी समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड, ठीक है? गुड गुड, फाइन फाइन फाइन, ठीक है? जल्दी से इसको लिख लो, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, आफ्टर दैट आई स्टॉप द लेक्चर, ओके? और मैं इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि लिखते वक्त अगर बाई चांस डाउट हैं तो अभी क्लियर हो जाएंगे, राइट? अगर तुमको लिखते वक्त कोई डाउट आता है, मैं मीटिंग एंड कर सकता हूँ, बट अगर कोई डाउट ना आए और आता है तो अभी क्लियर हो जाएगा ऑन द स्पॉट, इसलिए मैं रुका हूँ, ओके? फाइन, सो शुड आई एंड द लेक्चर? एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? कम ऑन, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं एंड कर देता हूँ लेक्चर। ओके, सो नो डाउट, फाइन, सो लेट मी स्टॉप हियर, एंड बाय द वे इफ यू फील एनी डाउट इन द, यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी, यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर, नो प्रॉब्लम, फाइन, आई एंड द लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।